मोबाइल पे था ही वैसे फोन सब। तो आपने क्या मोबाइल में वेस्ट किया? दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। सर, मैंने 4 तारीख को easyphone.com के फ़ोन बुक कराया था। 6 तारीख को मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा कि सर मेरी डिलीवरी कब तक हो जाएगी फ़ोन की, तो उन्होंने मेरे को यही बोला, बोले सर आपकी डिलीवरी तो शो हो नहीं रही है, तो आप अपना रिफंड दोबारा ले लीजिए। तो मैंने ठीक है, तो उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा, उसके अंदर वो अमाउंट डालना था 4,499 रुपये, तो और आपका अमाउंट आ जाएगा। तो मैं ठीक है, तो उन्होंने बोला 24 घंटे में अमाउंट आ जाएगा। तो फल 7 तारीख को मैंने सुबह 9 बजे फ़ोन करा उन्हें, फ़ोन करने पे मैंने उनको ये बोला, तो उन्होंने बोला आपका 10 बजे तो अमाउंट आ जाएगा। उसके 15 मिनट बाद ही मेरे अकाउंट के 20,000 रुपये निकले और 1 मिनट बाद ही 21,000 रुपये निकले। मेरे टोटल 45,500 रुपये खाते का ख़त्म हो चुका। कौन सा ऐप डाउनलोड किया था? easyphone.com ऐप है और गूगल पे वेबसाइट है। अभी भी आप खोलोगे अपने फ़ोन में तो सबों के फ़ोन में कुछ चल रही है। वो कंप्लेंट करी आपने? कंप्लेंट मैंने कल ही कर दी थी हाथों। कौन से थाने में? अलवगेट थाने में। अच्छा, आपके साथ हुआ ऐसा ठगी, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को? सर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऑनलाइन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। कृष्णा कुमार क्या करते हो? सर, मेरा लाइफ इंश्योरेंस का काम है LIC में, उसके अलावा मेरी नगरे पर शॉप है। कहाँ रहते हो आप? नगरे पर। मोबाइल पे था ही वैसे फोन? मोबाइल निकालो। तो आपने क्या मोबाइल बुक किया? हाँ, 4 तारीख को मैंने मोबाइल बुक कराया था। कितना का मोबाइल है? मेरा मतलब फ़ोन था 12,000 कुछ रुपये का और 4,999 में आ रहा था। तो अभी मैंने 4 तारीख को फ़ोन बुक कराया था, तो 6 तारीख को मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने बोला आपकी डिलीवरी शो नहीं हो रही है, तो आप अपना रिफंड ले लीजिए दोबारा। तो मैंने ठीक है, तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजा रिफंड का, उसके अंदर अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं मांगा गया था, ओनली ये था उसके अंदर कि आपका जो नंबर है, जो आपका अमाउंट है वो अकाउंट।